का है, अपना लेवल है। हाँ, बीज का अपना लेवल है। देखो एक बीज जरा बरसीन का है, वो जो ज्वार का है, जो मकई का है, जमीन में एक जैसा तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। ज्वार कम होगी तो बरसीन कम ज्यादा होगी, बरसीन ज्यादा होगी तो ज्वार कम होगी। सही है। तेल उगाते हैं या कोई ऐसे कितना जमीन है? ये जमीन है एक बीघा, मतलब आधा एकड़। हाँ, आधा एकड़। हाँ, आधा एकड़। अच्छा, हम करो कितने हैं? तो पहले रूटर में रहे थे, वाले दो हाल दिलाए थे, वाला लेदर करवाए थे। अच्छा, लेदर के बाद हाल के बाद दियाल वाल पानी ले, तो वाल छटे, तो वाल खाद दे। अच्छा, तरतीब ना ले सो, पहले रूटर। हाँ, पहले रूटर। पहले रूटर मारिए, वाल दो हाल मिले, वाल दो हाल मिले, एक तो हाल मिला, तो ठीक है। तीन बाद लेदर थे वाल। मतलब लेदर की वेंदी है, खुराक बराबर दी तकसीम ते, बराबर ते मिलदी है, पानी थोड़ा मिलदे, जट दी सहूलियत होंदी है, ते जट को कमावणा कहनी। लेदर वाला कितनी पैसे घिन वेंदे? 3000 रुपया घिनदे आवणा विके दा, घंटे तो चलते भी घंटे घंटे का 3000 घंटे का। सही सही। तू सही दे लेजर ही करा, ई टाइम तो आड़ा इनो तो चोखा खर्चा थी चुके। ई टाइम ठीक है सही, कराए तो 4, 7, 7 तक 14 तकरीबन 20000 रुपया थी चुके। उनके बाद अगर बेच सकने, पानी सकने, इन्हें तो इलावा भाई अब्बास मियाँ कह रहा है कि ना ज़मीन में इस वक्त 20000 के करीब करीब खर्चा हो चुका है। अभी इसमें बीज, पानी और क्या बताया? और खाद स्प्रे के अलावा। खाद स्प्रे अभी होगी, मतलब इसने ना जो तीन हल दिलवाए हैं इसके साथ। हाँ, एक लेजर। हाँ, इसका 20000 हो चुका है। इसका भी 14000 है ना, 7000 की खाद है ना। अभी 7000 की खाद भी ली हुई है, मतलब आधी बोरी DAP। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही है। ये एक हल मुकम्मल होगा इसके साथ? नहीं, अभी बचा हुआ है इधर। नहीं नहीं, ये जब मुकम्मल कर लेगा एक हल, एक हल मुकम्मल होगा। ये एक हल का कितना लेते हैं? 1000 रुपया एक हज़ार, एक हल 1000 रुपया। और रूटर? रूटर 2000, रूटर 2000। अच्छा, सही सही। और बीज कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सतार बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद पानी कब लगाना है? कल लगाना है इंशाल्लाह। खाद कब इधर बन जाएगा? खाद उसी डालने, बीज के साथ ही मिला के डालनी है। अच्छा, बीज के साथ ही मिला दिए। और ये टोटल कितने पानी लगेंगे इसको? 6 से 7 पानी लगेंगे। 6 से 7 पानी लगेंगे, बारिश अगर नहीं आएगी तो। 6 से पहले तो कहते थे 4 पानी पे तैयार हो जाए। नहीं नहीं, वो बेट में इलाके में। अच्छा, जब वो बेट के इलाके में 4 पानी से मिलने तैयार होती है। ठीक ठीक ठीक, सही है सही है। और बीज की क्या तनासब से, किस तनासब से? कितना बीज डाल रहे हो? 25 किलो 30 किलो। एक बीघे में। आपको एक और वीडियो दिखाई थी, उसमें चाचा बता रहा था हमने ना 35 किलो बीज डाला है। तो ये सबकी अपनी होती है कि वो अपनी ज़मीन में कितना बीज डालता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बीज डालो ना तो वो जो पौधा होता है कमज़ोर हो जाता है, वो घिर जाता है। हिसाब भी होगा, कोई ज़मीन 30 किलो लेती है, कोई 25 किलो, कोई 20 किलो भी लेती है। बीज बीज का हिसाब है, जो शहर है, जो सतार है, जो दिलकश है, बीज बीज की अपनी अपनी। सही, मतलब बीज का अपना लेवल है। हाँ, बीज का अपना लेवल है। देखो एक बीज जरा बरसीन का है, वो जो ज्वार का है, जो मकई का है, जमीन में एक जैसा तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। ज्वार कम होगी तो बरसीन कम ज्यादा होगी, बरसीन ज्यादा होगी तो ज्वार कम होगी। सही है। तेल उगाते हैं या कोई हर दाल, हर चीज का बेच बेच अलग अलग हिसाब किताब है ना। सही है। ये पानी कहाँ से आता है आपका? ये सोलर का, ये सोलर भी है, ट्यूबवेल भी है। ये आपको सामने से नजर आ रहा होगा जहाँ से जमीन को पानी लगाया जाएगा। ये सामने ट्यूबवेल है, इसके पीछे इधर ट्यूबवेल, वो सोलर लगी हुई है। ये बगले आए बैठे हैं, इन्होंने इधर से अपनी ना कीड़े हशरात वगैरह उठाने हैं। अच्छा, ये ना यहाँ पे पानी ये लगाते हैं, ये इधर पीछे है, ये सोलर, इस दरख्त के पीछे ना एक सोलर है सिस्टम लगा हुआ। रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे। ठीक ठीक। टोटल टोटल बिजाई बिजाई में कितना खर्चा हो जाएगा अंदाजा? 20 तो हो चुका है, 10 और हो गए, 30000 होगा मजदूरी के अलावा। मजदूरी के अलावा 30000 हो जाएगा। और टोटल मतलब फसल पर कितना खर्चा हो जाएगा अंदाजा? 60-70 हज़ार हो जाएगा? नहीं नहीं, 30-35 हज़ार होगा। कितना? उसके अलावा पानी के लिए? पानी आगे स्प्रे भी तो होती है? स्प्रे भी होती है, एक होती है, दो होती है? दो भी होती है, बीमारी की वजह से, बीमारी की नियत पे होती है। अच्छा, मतलब 40 के करीब करीब। 40 के मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा बिजाई के टाइम? हाँ, इसी बात। अच्छा अच्छा। और एवरेज हमारे इलाके में क्या है? 25, 27, 26, 22, 21। अच्छा, मतलब 20 से अबव। 20 से अबव। ठीक ठीक। एक काफ़ी आप होंगे ना सारे? सही है।
ये दो जो बच्चे हैं ना, ये इसके अब्बास के ना शागिर्द हैं, ये भी इनको प्लम्बर का इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहा है, और ये हर वक्त इनके साथ रहते हैं, जो अपने उस्ताद की हर काम में मदद करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बच्चा जिन देखें इन बेलचे पर काम कर रहा है, ये साथ में काम करते रहते हैं। जब उस्ताद का काम ख़त्म होगा तो फिर ये दूसरे काम पे चले जाएंगे। उस्ताद जमशेद इंटरव्यू करते करते थक गया, तो जिसकी वजह से ना वो पानी पीने लग गया। ये वाला कौन बुला रहा है, किसे बुला रहा है? ये हमको बुला रहा है, ट्रैक्टर के पास जा रहा है, ट्रैक्टर हल मारते मारते रुक गया है, तो ज़मीन का मालिक जा रहा है कि क्यों इतना लेट कर रहा है, ताकि उसकी ज़मीन जल्दी तैयार हो। और आजकल जो किसान है ना, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी भी हो सके उसकी ज़मीन उतनी जल्दी तैयार हो और वो उसमें बिजाई करे, क्योंकि जितना लेट करेंगे इनका ना अपना एक ज़हनी तवाज़ुन बना हुआ है कि कितना जल्दी हमने बीज बोना है या कितना लेट करना है। ये देखें जिस ज़मीन का आपको व्यू नज़र आ रहा है, इसमें ना कपास लगी हुई थी, तो अब कपास को काट लिया गया है। इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साथ वाली ज़मीन में ना वो थी, वो सामने आपको बंदा नज़र आ रहा होगा, वो आपको बाय बाय हाय हाय कर रहा है। इसमें मकई लगी हुई थी, अब मकई तो काट ली गई है, लेकिन इस ज़मीन को दोबारा कास्ट किया जाएगा। ये साथ वाली ज़मीन में मुझे लगता है कि गंदम लगाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ और लगाया जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकता, किसान है, अपनी मर्ज़ी करेगा, पता नहीं है इसमें दोबारा कौन सा घास लगाता है या कोई गंदम वगैरह लगाता है। वो पहुँच चुका है बंदा अपने ट्रैक्टर वाले के पास और पूछ रहा है क्या मसला है। उसका दोस्त आ गया था शायद, इस वजह से रुक गया। चलो इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वक्त